एक इंटरव्यू के दौरान महिला उम्मीदवार से पूछा, 6 से 7 इंच का ऐसा क्या है, अगर ना मिले तो लड़कियां उंगली से भी काम चला लेती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लॉजिकल और आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से कहा, मान लीजिए आप बिहार के किसी जिले में एसपी के पद पर तैनात हैं और वहाँ पर आपको किसी ब्राह्मण लड़की से प्यार हो जाता है। वो चाहती है कि आपसे शादी हो, आप चाहते हैं कि उससे शादी हो, लेकिन वहाँ का समाज ये नहीं होने देगा क्योंकि आप एक मीणा जाति वर्ग से संबंधित हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उम्मीदवार ने कहा, सर ऐसी सिचुएशन में मैं लड़की वाले पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और शादी के लिए राजी कर लूँगा। इसके लिए मैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की मदद भी ले सकता हूँ जो हमारी शादी के पक्ष में हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, ये बताइए आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है, रानी लक्ष्मीबाई या रजिया सुल्तान का? उम्मीदवार ने कहा, सर मेरे जीवन पर रजिया सुल्तान का ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला शासिका थी जिसने सन 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया और पर्दा प्रथा को ख़त्म करके पुरुषों की तरह दरबार में आना प्रारंभ किया और रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उम्मीदवार से पूछा, मान लीजिए आप एक जिले की डीएम हैं और आपके पास कुछ लोग आते हैं जो बोल रहे हैं कि उनको एक ही जगह से एक ही समय पर जुलूस निकालना है, उनमें से एक हिंदू समुदाय से है, दूसरा मुस्लिम समुदाय से है, अगर उन्होंने जुलूस निकाला तो 100% दंगे फसाद होने की संभावना है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? महिला उम्मीदवार ने कहा, सर ऐसी सिचुएशन में मैं उन लोगों को अलग अलग समय पर जुलूस निकालने के लिए कहूँगी, अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं उन्हें साफ मना कर दूँगी कि उन्हें जुलूस निकालने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस पर बोर्ड मेंबर ने फिर कहा कि मान लीजिए आपका जो सीनियर अधिकारी है वो कहता है कि आप एक विशेष धर्म वाले लोग व्यक्ति को जुलूस निकालने की परमिशन दे दीजिए, आप क्या करेंगी? उम्मीदवार ने कहा, सर अगर ऐसा होता है तो मैं उनसे रिटर्न में यह लिखवा कर लूँगी कि अगर जुलूस के कारण कोई दंगा फसाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने कहा, मान लो आपका एक दोस्त है जो आपको समझा रहा है कि लड़कियां पैदा होना माँ बाप पर बोझ है, ऐसे में आपका क्या मानना है? उम्मीदवार ने कहा, सर ऐसा मानना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि लड़का हो या लड़की जिसने भी इस समाज में इस दुनिया में जन्म लिया है उनको समान अधिकार हैं, उनके माता पिता को उनका पालन पोषण किसी बिना किसी भेदभाव के करने चाहिए, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, एक लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा, ये बताइए 0% GST किन किन चीज़ों पर लगाया गया है? उम्मीदवार ने कहा, वेजिटेबल्स, नॉन ब्रांडेड ग्रोसरी और नमक, दूध, अंडे, मीट आदि, इन चीज़ों पर भारत में 0% GST लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है? उम्मीदवार ने कहा, जैसे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है वैसे ही स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है क्योंकि बिना किसी प्लान और डायरेक्शन के किसी भी काम में मनचाहे रिजल्ट नहीं प्राप्त किए जा सकते। हार्ड वर्क में किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जबकि स्मार्ट वर्क में उस काम को एक सही प्लान और स्ट्रेटजी के साथ बहुत कम समय में और बहुत ही कम मेहनत के साथ आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, आप अपनी होने वाली पत्नी में कौन कौन से 5 गुण खोजेंगे? उम्मीदवार ने कहा, सर सबसे पहले मैं देखूंगा ईमानदारी, सच्चाई, दूसरा जो मन और विचारों से सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और मेरे कार्यों में मेरी मदद भी कर सके और जो मेरे परिवार के साथ तालमेल बैठा सके, ये 5 गुण मैं अपनी होने वाली पत्नी में चाहूँगा। उम्मीदवार से पूछा, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं? उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर मेरा मानना है कि चेचक एक ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं। इस रोग को शीतला, बड़ी माता,
स्मॉल पॉक्स नामों से भी जाना जाता है। यह रोग एक विषाणु जनित रोग है। दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी और बीमारी के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, आप किस राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न से आपको यह पता चलेगा कि इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवालों के जवाब कैसे दें। उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, मैं अब तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि कौन सी पार्टी मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन हर पार्टी की कुछ बातें मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसके अलावा बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह अन्य पार्टियां भी मुझे कुछ हद तक अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ कि मुझे कौन सी पार्टी ज़्यादा पसंद है। उम्मीदवार से पूछा गया, ये बताइए, महात्मा गांधी की फ़ोटो पहली बार नोट पर कब छपी थी? उम्मीदवार ने कहा, सर, गांधी जी की तस्वीर सन 1969 में छपी थी। सन 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी को याद रखने के लिए पहली बार रिजर्व बैंक ने सेवाग्राम वाली तस्वीर के साथ 100 रुपये के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। इसके बाद सन 1987 में दूसरी तस्वीर छापी गई थी जो मौजूदा करेंसी नोट पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, ये बताइए, डिप्टी कलेक्टर और SDM में क्या अंतर होता है? उम्मीदवार ने कहा, सर, SDM लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने और उसको बनाए रखने के लिए कार्य करता है, जबकि एक डिप्टी कलेक्टर का मुख्य कार्य रिवेन्यू कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे उसके पति के सिवा सब देख सकते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता? दोस्तों, यह एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचकर अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखो। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है महिला के विधवा का रूप जिसे उसका पति कभी नहीं देख सकता। दोस्तों, अगला लॉजिकल सवाल है, वह क्या है जो पूरे महीने आपके पास आती रहती है लेकिन 24 घंटे के बाद छोड़कर चली जाती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला उम्मीदवार से पूछा, 6 से 7 इंच का ऐसा क्या है अगर ना मिले तो लड़कियां उंगली से भी काम चला लेती हैं? दोस्तों, यह एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। कुछ लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना है और फिर सोचना है। दोस्तों, इस लॉजिकल सवाल का जवाब है टूथब्रश। अगर ना मिले तो उंगली से भी काम चलाया जा सकता है। दोस्तों, आपने इस सवाल का जवाब क्या सोचा था कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अब इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।